कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। जैसे इधर देना बॉटल, देना बॉटल झूठी है, ये जैसे बॉटल है, ठीक है ना। अब इस बॉटल में हम पानी स्टोर कर सकते हैं, चाय स्टोर कर सकते हैं, हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो पेट्रोल वगैरह भी डाल के रख सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब, इसका नाम है बॉटल। अगर इसके अंदर हम चार्ज स्टोर कर रहे होते तो इसका नाम क्या होता? कैपेसिटर। अच्छा, ये बॉटल कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड स्टोर कर सकती है? कितने लीटर की है ये? 700 ml की है लगभग। ये कितने की होती है? 700 ml की आती है, 700 से 750 ml के आसपास होती है, एक लीटर की नहीं होती है। तो कहने का मतलब हो गया कि इसके अंदर कितना पानी आएगा? 700 ml पानी आएगा। तो वो उसकी एबिलिटी है, कितना पानी स्टोर कर सकती है, इज नोन एज एबिलिटी ऑफ दैट बॉटल। तो कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ये बताएगा कौन? उसका कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? तो हमने दो चीजें लिखाई हैं, एक कैपेसिटर है और दूसरा क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होते हैं? इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर द चार्ज। और कैपेसिटेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर बाई इट इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, हाउ मच चार्ज स्टोर बाई एनी कैपेसिटर। चलिए आगे बढ़े, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग में डालिए, इसी के अंदर लिखिए और समझिए जरा सा। अगर ये एक सब्सटेंस है मान लीजिए, और ये अभी न्यूट्रल है, ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज अभी नहीं है, तो अगर चार्ज Q इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? इनिशियली इस सिस्टम पे कोई चार्ज नहीं है तो इस सिस्टम पे कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? पक्का? आगे बढ़ें। अगर हम धीरे धीरे इस पे चार्ज की वैल्यू बढ़ाना शुरू करें तो चार्ज बढ़ेगा तो बेसिकली इस पे क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलिए। तो जैसे जैसे हम इस सिस्टम पे अमाउंट ऑफ चार्ज को बढ़ाएंगे उस तरह से क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? वी के, पोटेंशियल के। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कोई दिक्कत? और जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाए तब तब दो चीजें आती हैं, नंबर एक इक्वल और नंबर दो कांस्टेंट इनटू वी। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं, इस सी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटेंस। तो यहां से सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन वी। अगर हम इसकी यूनिट दें तो यूनिट कितनी हो जाएगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम और इसकी होती है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। तो एसआई यूनिट कितनी क्या होनी चाहिए? कूलम पर वोल्ट। ये कूलम पर वोल्ट एसआई नहीं है, ये इसकी ड्राइव यूनिट है, ये फॉर्मूले से बनी है। जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फैराड। क्या होती है? फैराड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा कैपेसिटेंस का? तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एटी। और पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं W बाई क्यू। क्यू ऊपर चला जाएगा तो फिर से आ गया 80, और W का मतलब वर्क, एम एल टू टी माइनस टू। तो यहां से डायमेंशन आ जाएगा बच्चे M माइनस वन, एल माइनस टू, टी टू टू फोर ए टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी। स्पेरिकल कैपेसिटर सॉल्व करें बेटा, बात नहीं, ध्यान दीजिए पूरा। इधर ये एक स्पेयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इस पे ये हॉलो स्पेयर है और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, बनाइए फोटो, बनाइए राइट साइड बनाइएगा, लेफ्ट साइड जगह छोड़िएगा। तो लिखो, क्या लिखा? लिखो आई स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। लिखो भाई, आई स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, आई स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, having uniform charge Q
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। हो गया। नेक्स्ट लाइन से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट दे देना यहां पे, एट पॉइंट पी इज, नेक्स्ट लाइन से v इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इस पे q है तो q बाई r, कितना होता है बच्चे v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़े। देखो ध्यान से, इस q को अपॉन में ले आइए तो v बाई q इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको हमने कहीं कुछ देखा है v और q से मिलके कुछ बना है? क्या बना था v और q से? कैपेसिटेंस बना था। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C इक्वल टू हाँ q बाई v। तो यहां पे क्या लिखा है? तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सी इक्वल्स टू कितना? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। कोई दिक्कत? तो पलट दो दोनों साइड, तो सी इक्वल टू कितना आ गया भैया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो कैपेसिटेंस कितना आ गया? सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? पक्का? आगे बढ़े। अगर इस स्पेयर के अंदर हम डाई इलेक्ट्रिक एक डाल दें, डाई इलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है, तो इफ वी पुट अ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ के, देन कैपेसिटेंस हो जाता है सी डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू आर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा किसका? वैक्यूम के कैपेसिटेंस का। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलिए भाई, इधर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर और इधर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू के, इस पूरे को क्या पढ़ेंगे? सी। तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स हो जाता है किसका? वैक्यूम के कैपेसिटेंस का। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर? कैपेसिटेंस क्या होगा? सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आपसे के वाला अगर बोलेगा डाइइलेक्ट्रिक है तब लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे हम उसको। हमें ज्यादातर यूज इसी का करना होता है। आई बात समझ में? तो व्हाट इज द स्पेरिकल, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर? क्या होगा? सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। फिर से बोलिए, व्हाट इज द स्पेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर? सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। देखो पूरा बोलो, आधा अधूरा बोलोगे ना तो आधा अधूरा याद रहेगा। ये 4 पाई कहां था? अच्छा सी आई 4। अच्छा बताओ भाई जरा क्या था? ये याद हो जाएंगे पेपर में। पूरा बोलो, आगे बढ़े, नोट करो, छापो छापो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। देखो कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए हमें दो प्लेट्स की ज़रूरत होती है और इन दोनों प्लेटों को हम थोड़े डिस्टेंस डी पर रख देते हैं। प्लेटों का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो एक पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। तो सबके बारे में हम लिख देते हैं कौन क्या क्या है। नंबर एक, डी क्या है बोलो? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन
प्लेट्स, ए क्या है एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स, क्यू क्या है चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट, सिग्मा क्या होता है पढ़ाया था बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा क्यू बाई ए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इज कितना आएगा इक्वल्स टू, देखो अगर एक इनफाइनाइट प्लेट शीट है और उस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बताओ, कितनी आती है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट प्लेट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कैसा है ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये चार्ज कैसा है नेगेटिव है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आएंगी टूवर्ड्स नेगेटिव, कितनी आएगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से देखें तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस, क्योंकि दोनों पैरेलल और सेम डायरेक्शन में है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट टोटल कितना आ गया इक्वल्स टू बोलो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत आगे बढ़े, देखो भाई नहीं समझ में आया डेरिवेशन याद नहीं है क्या इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इज कितना आया था, देखो कॉपी में लिखाया हुआ है पलटो पेज, इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक था ये, बस ये रहा, नहीं नहीं इसके बाद वाला ये रहा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी कितनी आएगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आएगी, दोनों को ऐड कर दिया, बच्चे हम आपसे बार बार कह रहे हैं आप सिर्फ मुंह ठाक चले जाओगे कोचिंग कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते ये जान लीजिए, हम सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा आप या तो एक तीन महीने पहले आए होते पढ़ने तो शायद हम आपके लिए और अच्छा कर सकते थे, पर अब हम आपके लिए कुछ कम कर सकते हैं, दोनों में फर्क को समझिए, ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, जो बच्चे तीन महीने से पढ़ रहे हैं उनको आप कॉम्पिटिट कैसे करोगे, इस पढ़ाई से तो नहीं कर पाओगे, उनको भी नहीं याद होगा, हम भी जानते हैं उनको भी बहुत कमी को याद होगा, लेकिन हाँ वो लोग पढ़ने में जुटे हुए थे उनको इस चीज़ का फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं, चलिए अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये समझ में आ गया, तो वॉट इज द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट V इज इक्वल्स टू होता है E इंटू डी, तो यहां से V इक्वल्स टू क्या आ गया E कितना आया है बच्चे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू Q को अपॉन में ले जाइए तो V बाई Q इक्वल टू कितना आ गया D बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं 1 बाई सी, तो 1 बाई सी इक्वल टू आ गया D अपॉन ए एप्सिलॉन, पलट दीजिए तो C इज इक्वल्स टू कितना आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कोई दिक्कत, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसी में एक कंडीशन है इफ
वी फिल्ड ऑफ डाई इलेक्ट्रिक के इन बिटवीन प्लेट देन सी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो के को कहां इंट्रोड्यूस करेंगे आप सेलंग नॉट के साथ में, तो कितना आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो यहां से हम लिख सकते हैं सी डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना के सी। कोई समस्या, नोट करिए क्या हुआ बेटा।